राजस्थान से खबर है, जहां झालावाड़ में एक सड़क हादसा हुआ है। 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। शादी से लौटते वक्त वैन में सवार 9 युवकों की इस दौरान मौत हो गई है। बेकाबू ट्रॉली ने वैन को जोरदार टक्कर मारी और वैन में सवार 10 युवक थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 6 युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वहीं 1 युवक की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। अकलेरा के पास पंचोला गांव की घटना है। दरअसल मध्य प्रदेश के खिलचीपुर से शादी से लौट रहे थे ये सभी युवक, और दुर्घटना के बाद ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। तो झालावाड़ में ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शादी से लौटते वक्त वैन में सवार 9 युवकों की मौत का ये मामला है। बेकाबू ट्रॉली ने वैन को जोरदार टक्कर मारी और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वैन में 10 युवक सवार थे, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। रियाज खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रियाज, क्या अभी तक जानकारी है? देखिए, झालावाड़ जिले की जो मध्य प्रदेश की सीमा है, अकलेरा थाना क्षेत्र के पचोला गांव के पास की घटना है। झालावाड़ के डूंगर गांव निवासी 10 युवक थे बागरी समाज के, जो मध्य प्रदेश से एक शादी में भाग लेकर सुबह मध्य रात्रि के बाद अपने गांव डूंगर गांव लौट रहे थे। ऐसे में एक ट्रोला था हरियाणा नंबर का, बेकाबू ट्रोला ने वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बाकी लोगों को अस्पताल लेकर आया गया, जहां 6 लोगों ने और दम तोड़ दिया। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका अकलेरा के अस्पताल में फिलहाल उपचार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची है, एडिशनल एसपी मौके पर है। लोग बता रहे हैं कि ट्रोले की रफ्तार काफी तेज थी और ट्रोला बेकाबू हो गया था। टक्कर मारने के बाद ट्रोले का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जितने भी लोग मरे हैं उनके परिजनों को सूचना दी गई थी, अब वो अस्पताल पहुंचे हैं। उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी, युवकों की पहचान की जा रही है। फिलहाल अस्पताल में काफी भीड़ हुई है, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और काफी लोग वहां पर जमा है, जिनको काबू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लोग उद्वेलित भी हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों में उस सड़क पर काफी सारे हादसे हुए हैं, जिसको लेकर लोग विरोध भी जता रहे हैं। शुभेंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज इस पर जानकारी के लिए।